नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद जिंदल, थोरैसिक सर्जन, इस समय पे जब हमें पता है कोरोना फिर से एक बार अपना बहुत बुरी तरह से हम सबको ग्रसित कर चुका है, आपको इस FB लाइव सेशन में स्वागत करता हूँ। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इसी के संदर्भ में, इसी के रिगार्डिंग कुछ बातें मैं आपके साथ बताऊँगा। आपके जो कोई भी डाउट्स हो, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, तो आप डायरेक्टली इस पे लिखें और हम कोशिश करेंगे आपके जितने भी सवाल हैं इस रिगार्ड में उनको हम आंसर कर पाए। शुरुआत करते हैं कि ये कोरोना जो पिछले ऑलमोस्ट हमारे देश में तकरीबन 1-1.5 साल से था, 1 साल से ज़्यादा हो गया पिछले लॉकडाउन को, उस समय से अब आके अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इसके नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ गए, केसेस जो हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए था वो बढ़ गए, और लोगों के जो घरों में पहले 1 या 2 केसेस हो रहे थे, पूरी पूरी फैमिलीज इससे अफेक्ट होने लगी। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, और इसका रीज़न एक नहीं है, इसके कई सारे चीज़ें हैं जो हमें आगे आने वाले टाइम के लिए भी समझाएंगे। पहला कारण, एक बार वैक्सीनेशन शुरू हुआ, धीरे धीरे नंबर्स बहुत कम हुए, हमें ऐसे लगने लगा कि कोरोना खत्म हो चुका। हमने अपने ऊपर जो संयम रखा हुआ था, हमारे ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगा रखे थे, हर आदमी ने लगा रखे थे, उसने सब कुछ छोड़ दिया, आराम से घूमने लगे, अपने सारे काम करने लगे, मास्क सही से नहीं पहन रहे थे हम, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, उससे सिर्फ हमें क्या हुआ, उससे हमें एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, हम ये हो गए कि अब हमें कुछ नहीं होगा, डेली के केसेस 100 के नीचे हैं और कुछ नहीं, ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था, वो रुका हुआ था, और जैसे ही मेल जोल बढ़ा उसके नंबर्स एकदम तेज़ी से बढ़ गए। पहला रीज़न ये है कि हमारा अपना जो संयम था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। दूसरा, वायरस एक ऐसा जीव मान लीजिए जो कि बहुत तेज़ी से अपने आप को चेंज कर सकता है, ढाल सकता है, और इस वजह से अब की बार जो आया उसका जो वेरिएंट था, जो इनिशियल कोरोना था, उसका एक वेरिएंट था ये, जो कि हम लोग बोल रहे थे डबल वेरिएंट या ट्रिपल वेरिएंट है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया में आने वाला एक अलग ही वेरिएंट था। उसकी जो इन्फेक्टिविटी थी, वो जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलता था, वो बहुत तेज़ी से फैलता था, पिछले वाले कोरोना से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता था। अब तक ये नहीं पता था कि ये इतनी ही ज़्यादा दिक्कत देगा या नहीं देगा, लेकिन फैलता बहुत तेज़ी से था। लेकिन अगर आप सोच के देखें, अगर ये इन्फेक्टिव भी कम था या ये इतना भी नहीं था, इतना तरीके से नहीं भी कर रहा था हमें, इतना ख़राब भी नहीं कर रहा था, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि पहले मान लो 1 लाख केसेस दिन के हो रहे थे, अब 3 लाख केसेस दिन के हो रहे हैं। सो क्या हुआ कि अगर वो परसेंटेज टर्म्स में कम था सीरियसनेस, लेकिन उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए अचानक। तो जब इतने सारे सीरियस पेशेंट एक साथ आ गए, तो यकीनन हमारे पास इतने बेड कभी भी, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, 135 करोड़ है, कि हमारे बेड्स एकदम तेज़ी से फिल हो गए। तीसरा ये इसमें अंतर था, जो कि हमने और बाकी डॉक्टरों ने, हर जगह के डॉक्टरों ने देखा कि इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पिछली बार से कहीं ज़्यादा थी। 5 लीटर अगर पहले थी, तो अब 15 लीटर तक लोगों की ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रही थी, तो जल्दी से जाना पड़ रहा था, हर एक आदमी को जाके देखना, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ रही थी। सो ये इस तरीके से अंतर था,
और वैक्सीनेशन प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, वो अभी तक भी इतना नहीं हुआ था कि उसने एक हर्ड इम्यूनिटी या इम्यूनिटी का रूप ले रखा था, अभी भी नंबर्स कम थे। शायद यही चीज़ अगर 6 या 7 या 8 महीने बाद होती तो प्रॉबेबली इससे कहीं ज़्यादा इम्यूनिटी रहती सोसाइटी में और बेटर रहता, लेकिन वो तो अभी है नहीं, तो इसलिए सडन राइज हुआ। लेकिन इससे हमें अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसे हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये सेकेंड वेव है तो ये कहीं नहीं लिखा कि थर्ड वेव नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है कि जो गलतियां हमने कर ली हैं उनसे सीख लेके आगे बढ़ना है। बीती ताई बिसार दे और आगे की सुध ले। लेकिन आगे की सुध कैसे लेंगे, अपने पिछले जो हमने गलतियां की हैं उनसे सीख के, और यही हमें ध्यान रखना है। चाहे हम जरूरी चीज के लिए बाहर जा रहे हों, चाहे हम अपने किसी रिक्रिएशनल के लिए जा रहे हों या आराम करने के लिए जा रहे हों, हमें तब तक अपने जिसे हम कहते हैं कि मास्क को पहनना है, हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, ये सब काम हमें करना ही पड़ेगा, इसका कोई और चारा नहीं है फिलहाल। तो ये हो गया कि ये इतनी तेजी से क्यों राइज किया। ऑलमोस्ट हम हॉस्पिटल में जाके खुद और उसको ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे क्वेश्चंस 10 15 20 25 पेशेंट्स के रोज क्वेश्चंस आते हैं कि अल्टीमेटली हम करें क्या और कैसे डिसाइड करें कि कब हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना, बिकॉज हॉस्पिटल जाने से भी बढ़ रहा है। कैसे, एक आदमी को थोड़ा सा बीमार हुआ, अकेले तो जाएगा नहीं, कम से कम 1 या 2 लोग जाएंगे। ऐसे ही वहाँ पे अगर 25 लोग हैं और सब पास पास है, कैजुअलिटी इमरजेंसी जो हॉस्पिटल्स की है कोई सोशल डिस्टेंसिंग पे बनी ही नहीं सकती। जहाँ 10 पेशेंट हैं और 30 उनके रिलेटिव हैं तो वो फैलना ही फैलना है, और ये हमें जानना है कि जो जा रहे हैं उनमें से एटलीस्ट 1/3 to 1/2 लोगों को पहले से ही कोरोना होने के पॉजिटिव हैं, कोविड होने के पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव है, तो बाकी लोग भी उसमें चपेट में आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें डिसाइड कैसे करें कि हमें जाना है हॉस्पिटल या नहीं, और इसके सिर्फ दो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आपके घर में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, एक आपको चाहिए थर्मामीटर और एक चाहिए आपको पल्स ऑक्सीमीटर। सिंपल से चीज़ें, बहुत सस्ती। पल्स ऑक्सीमीटर आपका सेचुरेशन बताएगा, थर्मामीटर आपका टेम्परेचर बताएगा। सो सिम्टम क्या आएंगे, सिम्टम बेसिकली 1 या 2 ही होते हैं। खांसी आ रही है, ऊपर के जकड़न हो रही है और फीवर है। सो अगर आपको खांसी आ रही है, फीवर है या नहीं है, लेकिन आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, सांस लेने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई आपको आराम से चल रहे हैं, टहल कदमी कर रहे हैं और आपको कोई ऐसा जकड़न नहीं हो रहा, आपको सिर्फ अपना टेस्ट कराना है। टेस्ट कराने के लिए भी भीड़ न इकट्ठी करें, इतने क्लॉग हो चुके हैं हमारे लेबोरेटरी सर्विसेज हॉस्पिटल सिर्फ टेस्ट कराने के लिए। सो उसको नहीं कराएं, टेस्ट कराएं। तब तक अपनी सिर्फ बुखार अगर आपको 99, 99.6, 99.8, 100 डिग्री हो रहा है तो उसके लिए की दवाई ले लें, जो हम सबको पता है ओवर द काउंटर मिलती है, किसी को रोक टोक नहीं, चाहे वो किसी भी नाम से आती हो, पैरासिटामोल सिंपल है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट पॉजिटिव है और फिर भी आपको फीवर और सिर्फ खांसी है और आपको कोई भी जकड़न नहीं है, तो बिल्कुल भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप सबको किसी भी डॉक्टर से जो कि कोविड स्पेशलिस्ट हैं या इंटरनल फिजिशियन हैं या प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैं, वो आपको इसका ट्रीटमेंट बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मत जाएं, अपने आप को घर पे रखें। कर सकते हैं बाकी फैमिली मेंबर से थोड़ा सा अलग रखें, नहीं रह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मास्क पहने और बाकी सबके बहुत ज्यादा मेलजोल ना करें, बाहर तो बिल्कुल भी ना निकले। आप ये यकीन मानिए 80% पेशेंट्स तो कभी
जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं। अब नेक्स्ट आया कि या तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसमें आपको तेजी से लेना पड़ रहा है, या आपके ऑक्सीजन सेचुरेशन 92, 93, मतलब 90, 91 और 95 के बीच में रह रही है, और आपको पहले से कोई भी दिक्कत नहीं थी, पहले से कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब ये इस बात को समझना जरूरी है, अगर कोई पहले से दमा का मरीज है और हमेशा से उसको 93, 94 ही रहती है, और अब आके उनकी 91, 92 है, तो उनके लिए ये खराब स्थिति नहीं थी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी और पहले आप 98, 99 पे थे, और अब आप 92, 93 पे आ रहे हैं और वो मेंटेन्ड है, कम हो रही है, तब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या जाना चाहिए। या आपको जकड़न हो रही है, आपको सांस नहीं लीजिए पा रही है, आपके सांसों को तेज हो रखा है, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट, जो नॉर्मल 12 से 15 होता है, आपका 20 के ऊपर है, सिर्फ तब हॉस्पिटल जाए। सेल्फ मेडिकेशन तब भी ना करें। आज के समय पे ज्यादातर प्रॉब्लम ये वाली जो हो रही है वो कोविड की हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज कोविड है। हो सकता है आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही हो। इस समय ऐसा नहीं है कोविड आया तो हमारी बाकी बॉडी की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, वो दिख नहीं रही है। तो इसलिए अगर आपका सेचुरेशन इस 92, 93, 94 के आसपास है, और आपका रेस्पिरेटरी रेट, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप तेजी से खींच रहे हैं, आपको रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, तब हॉस्पिटल जाएं, उससे पहले जाने की जरूरत नहीं। जब आप वहाँ जाएंगे तो वो इवेल्युएट करेंगे आपको, और तब वो आपको एडमिट करेंगे। मेरे पास पेशेंट का फोन आता है, जी हमारे 92 है और हमें आईसीयू की जरूरत है। आईसीयू की जरूरत आप मत डिसाइड कीजिए, आईसीयू की जरूरत बहुत सर्टेन परसेंटेज के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए है, इसीलिए उसको भरिए मत। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर आईसीयू के लिए लेता है तो दो लोग बहुत कठिनाई में हैं, जो बंदा आईसीयू में गया है और नॉर्मल जैसा है, और दूसरा जिसको आईसीयू एक्चुअली चाहिए। अपने हमें कोई ये नहीं पकड़ना है कि हमें कोई वहाँ पे जाके बुकिंग नहीं करनी है, तो प्लीज़ आईसीयू एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन एक बहुत सर्टेन स्मॉल परसेंटेज पेशेंट्स के लिए। पहला, अगर डॉक्टर इमरजेंसी में आपके देखते हैं कि 90 से भी कम हो रही है, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क पे अपना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तब शायद आपको ऑक्सीजन की डिलीवरी, मतलब ऑक्सीजन दूसरे तरीके से दी जाए, जिसे हम NIV या कभी कभार बहुत छोटे परसेंटेज में वेंटिलेटर से भी देनी पड़ती है, वो डॉक्टर को डिसाइड करना। दूसरी बात, ट्रीटमेंट में आपने क्रोसिन से ही शुरू करना है, आपने पैरासिटामोल से ही शुरू करना है, आपने सेल्फ मेडिकेशन जैसे कोई भी एंटीवायरल शुरू कर दिया, जी हमने स्टेरॉयड भी ले लिए, ये भी कर दिया, ये कृपा करके ना करें। सारे दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं, कोई भी ऐसी दवाई नहीं होती जिसके ऐसे इफेक्ट आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दूसरा, आपको नहीं ये पता होगा कि आपका ये कौन से दिन दिया जाना है। हर आदमी को पहले ही दिन स्टेरॉयड नहीं दिए जाते हैं, उसके बहुत कम इंडिकेशंस हैं, पहले हफ्ते में इंडिकेशन है या नहीं है, डॉक्टर को डिसाइड करने दें। प्लीज़ खुद सेल्फ मेडिकेट ना करें। इस समय हर जगह से आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, व्हाट्सएप पे पूरे पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, 1,000 मेडिसिन्स आ रही हैं, आपके ले लेने से फिर से वही दिक्कत होती हैं, एक आपको और एक जिसको आपसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको, आपको आप उसके साइड इफेक्ट होंगे, और जिसको वो दवाई नहीं मिल पाएगी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। रेमडेसिविर कोई, प्लीज अंडरस्टैंड, रेमडेसिविर कोई सिंपल मेडिसिन नहीं है, या रामबाण नहीं है कि जिसको लेके लोगों ने घर में रख लिया कि अगर हमें होगा तो हम ले लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर 135 करोड़ लोग पहले ही दिन ये सोच ले कि मैंने आज आलू प्याज ही खाना है और महीने भर के लिए लेके रख लूंगा, तो पूरे कंट्री को नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से कोई भी दवाई का, ऑक्सीजन का ना करें। और ये
कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लाइव में नहीं बोली जाती, लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप लोग सबकी दुआ से और आप लोग सबकी वेल विशर्स की वजह से मेरे जितने भी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया है उनकी वजह से, नर्सेस, बाकी सब लोगों की वजह से, आज ही मेरे अपने पिता आईसीयू से, कोविड आईसीयू से ठीक होके वापस निकले हैं। लेकिन हम तब तक नहीं लेके गए, हमने कोई रेमडेसिविर या कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में होल्डिंग नहीं की, ली नहीं, जब तक कि हमको लगा कि ज़रूरत है। जब ज़रूरत पे गए, हॉस्पिटल पे गए, सबने इवेल्युएट किया, लगा ज़रूरत है, शिफ्ट किया। और यकीन मानिए ये होगा, बेडों की किल्लत इसलिए होती है क्योंकि हम वहाँ पे नंबर्स ज़्यादा हैं, लेकिन पैनिक ना करें, पैनिक से सिर्फ आपको नुकसान होगा। ऐसा ना सोचें कि ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट बिल्कुल मिलेगा। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन ट्रीटमेंट में हम सब तैयार हैं करने को, लेकिन उसको ये ध्यान रखिए पैनिक ना हो। पैनिक होने से कोई फायदा नहीं होगा, वो हमें नुकसान ही देगा। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, श्रेया जी पूछ रही हैं क्या हमें डबल मास्क पहनना चाहिए। देखिए, स्टडीज तो डेफिनेटली ये कहती हैं कि डबल मास्क पहनने से सिंगल मास्क पहनने के बजाय ज़्यादा इफेक्टिवनेस आती है। बेसिकली मास्क कौन सा पहन रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप N95 पहन रहे हैं, जो कि घर निकलने से पहले अगर आप N95 पहनते हैं, वन ऑफ द बेटर मास्क हैं, आपको चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं। अगर आप सिंपल मास्क पहन रहे हैं, सिंगल प्लाई जिसे हम बोलते हैं वो पहन रहे हैं, तब डबलिंग करते हैं तो बेटर प्रोटेक्शन होता है। लेकिन अगर आप एक सिंगल N95 मास्क भी पहनते हैं और उसको बार बार निकालते नहीं हैं और उसे छूते नहीं हैं, तो ये बहुत प्रोटेक्टिव होता है। मेरे हिसाब से डबल मास्क पहन सकते हैं, लेकिन सिंगल मास्क अगर आप अच्छी क्वालिटी का पहने तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये है कि उस मास्क को रेगुलरली आपको चेंज या आपको उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा एटलीस्ट एक दिन के बाद। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले, ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया, नेक्स्ट चीज़ है वैक्सीनेशन। हमने पिछली बार भी बोला था वैक्सीनेशन जरूरी है, इससे हम सबको हो रहा है। एज अ डॉक्टर मैंने वैक्सीन ली, आज मैं अपने पेशेंट्स और बाकी सबकी जब मैं सेवा कर रहा हूँ या उनको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट प्रोटेक्टेड हूँ। देखा गया है हमारे हेल्थ वर्कर्स में भी और बाकी भी पॉपुलेशन में कि वैक्सीन लेने के बाद जो भी इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन वो इन्फेक्शन के नंबर बहुत कम हैं और उनकी सिवियरिटी बहुत कम है। सो डेफिनेटली वैक्सीन लें। कौन सी वैक्सीन लें, कैसी वैक्सीन लें, वैक्सीन बहुत तरीके की अब आ रही हैं मार्केट में। ज़्यादातर की एफिकेसी 70-80% के बीच में लाइक कर रही है। आपको जो भी वैक्सीन मिलती है और आराम से मिल सकती है और उसके लिए वहाँ पे जाके भीड़ नहीं बनानी पड़ रही है, आप उस वैक्सीन को ले सकते हैं। और यकीन मानिए आपको उस वैक्सीन से आराम मिलेगा, साइड इफेक्ट भी इतनी कोई खास ज़्यादा नहीं है। सो वैक्सीनेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब चूंकि हमारे घरों में बहुत बुरी तरह से ये फैल गया है, कोई लोग के 6 लोग घरों में पीड़ित हैं, कुछ में 8 लोग हैं, किसी में 6 लोग 4 लोग हैं, तो ऐसे समय में हम प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंट करने के पिछले बार हमने इसको विस्तार से देखा था, लेकिन उसके सिर्फ बेसिक 3 चीज़ें हैं। पहला, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। कैसे? मास्क पहन के रखना है जब भी घर के बाहर जाए, अच्छा मास्क पहने, N95 पहने। भीड़ में जाते ही बात करने से पहले, ये मेरे साथ देखने में आया और आप लोग सबको भी देखने में आता होगा, पूरे टाइम मास्क पहन के रखेंगे मेरे पेशेंट्स, और जैसे ही मेरे सामने आएंगे बातचीत करने के लिए सबसे पहले मास्क उतारेंगे। फिर मास्क का फायदा क्या है? सो अपने मास्क को उतारें। अगर अकेले में उतारते भी हैं तो अपने हाथों को बिना साफ किए, बिना सैनिटाइज किए उससे मुंह को ना रगड़े। सो मास्क को यूज करें, ऐसा मास्क यूज करें जो कि फ्रेशली हो, और अगर उसको आपको रीसैनिटाइज करना है, धूप में रखना है,
तो फिर दूसरा नया मास्क, तो पहले मास्क को पहने, हाथों को साबुन पानी से धोएं, चाहे वो बाहर से घर, बाहर से घर के पास आए या फिर आपको कुछ खाना हो ये करना हो उसके वजह से। तीसरा, अगर आपको पता है कि कोई पेशेंट है, जैसे कि हम हैं, अगर आपके कोई पड़ोस में पेशेंट है, सो कोई भी समय आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उससे जाके मिलें, आप उसका अपने जिसे बोलते हैं नेबर्स का काम करें, आपको उससे मिलना जरूरी है, उसकी हेल्प करना जरूरी है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है उसको हेल्प करें रादर देन उससे जाके मिलने से। अगर उसको कोई उसके घर में फल सब्जी दूध किसी चीज़ की किल्लत है और उसके पास कोई जाने वाला नहीं है, प्लीज़ जाके हेल्प करें। या अगर उनको कहीं पे मान लो किसी वजह से होता है कि आपको उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, उनके घर में वो एकमात्र ऐसे बंदे हैं जो कि गाड़ी या कुछ चला सकते हैं, आपके पास और कोई तरीका नहीं है, आपको उनको पहन के उनको छोड़ने जाना है हॉस्पिटल, प्लीज़ घबराए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि भयावह है। अच्छे से मास्क पहने, ग्लव पहने, अपने हाथ सैनिटाइज करें, उनको आप छोड़ के आ सकते हैं, उनको आप एडमिट करा सकते हैं, और उसके बाद अपने आप को फिर से सैनिटाइज करें। क्या ये आप अपने भाई, अपने बच्चों या अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करेंगे? यही तो करेंगे हम भी, नेबर्स भी वही हैं। सो इसलिए ये ना सोचें कि ये छूत उससे डरें, लेकिन अननेसेसरली मेलजोल ना पाए उस समय, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन हेल्प भी करनी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अब कई सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं। पहला डाउट कि हम ट्रीटमेंट, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, अब ये ओवरऑल हमारे साथ हो चुका है कि भाई ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, प्रसाद जी पूछ रहे हैं, वाई बी प्रसाद जी पूछ रहे हैं, ड्रिंकिंग हॉट वाटर एंड स्टीम प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव है कोरोना के सिम्टम्स के लिए? थैंक यू प्रसाद साहब, बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए, और इसका आंसर मैं बताता हूँ। गर्म पानी आपकी बॉडी को मेंटेन कर रहा है, आपका टेम्परेचर अच्छी चीज है, लेकिन दो चीज ध्यान रखें, एक फीवर हो रहा हो और आप गर्म गर्म पानी पी रहे हो, आपके लिए मुश्किल हो, तो गर्म पानी एज ए प्रिवेंटिव मेजर अच्छी चीज है, आप बिल्कुल ले। दूसरा स्टीम, एक दो वीडियो आ रहे हैं, कृपया करके उनको देखें और उनके ऊपर अमल ना करें। एक हमारे, मैंने आज सुबह ही वीडियो देखा है जिसमें कुकर में स्टीम बनाई जा रही है और चेहरे पर डाली जा रही है, ये आपको बहुत कठिनाई में डाल सकती है। स्टीम एक तरीके की बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है, उसके अंदर बहुत एनर्जी हो सकती है। आप सोचिए, सिर्फ तीन तरह के स्टीम, तीन तरह के इंजन होते थे, स्टीम इंजन होता था, स्टीम से चलता था इंजन, उसके अंदर बहुत फोर्स है सर। सो जब स्टीम आप पूरी लेते हैं, स्टीम, हम भाप की बात नहीं कर रहे हैं, स्टीम लेते हैं, आपका पूरा जो ये है, पूरा श्वास नली है, उसमें इंजरीज हो सकती हैं, वो जल सकता है बुरी तरह से। दूसरा, अगर स्टीम ज़्यादा हुई, आपके पूरे फेस पे 3rd डिग्री बर्न हो जाएंगे। सो इस वो जिस चीज़ से आप ले रहे हैं, कुकर इस चीज़ के लिए नहीं बना है, वो फट सकता है। सो स्टीम लेने की ज़रूरत नहीं है। वेपर, वाटर वेपर, या जिसे हम बोलते हैं कि जब आप वो थोड़ी बहुत हल्की सी भाप लेते हैं, वो भी इसलिए अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति अगर पूरे टाइम भाप लेगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जब अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, भले वो गार्गल्स हों चाहे वो स्टीम हो, तब आप ले सकते हैं। कुछ लोग अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, वाइटामिन सी, ये सब लेते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये कोरोना ने सिर्फ हमें ये सिखाया है कि खाना और जो हम खा रहे हैं उसका कितना ख्याल रखना चाहिए। हमारी इम्यूनिटी, हम सोचते थे इम्यूनिटी सिर्फ एक कुछ ही एक चीज़ों से आ सकती है, नहीं सर, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें हर चीज़ को छोटी छोटी मात्राओं में या रिक्वायर्ड अमाउंट में ज़रूरी है, चाहे वो विटामिन सी हो, चाहे विटामिन बी हो। सो
रेगुलरली इनटेक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल। अब वो आपको खाने में भी मिल सकते हैं, अगर आपको खाने में नहीं मिलते हैं तो उसके कैप्सूल्स भी आते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है अगर हम उसे खाने में लेते हैं, अपने रोज़मर्रा में लेते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब अगर हम खाने में लेते हैं वो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप वाइटामिन के कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है दीप्ति जी ने, इज इट पॉसिबल फॉर पीपल टू टेक कोवैक्सीन एज सेकेंड डोज इफ फर्स्ट डोज वॉज कोविशील्ड? टेक्निकली यू शुड अवॉइड। रीजन ये है कि सबके जो एंटीजेनिसिटी वैक्सीन जब काम करती है, आप उसमें, आप समझिए कि उसमें एक तत्व होता है जो कि वायरस के जैसा या वायरस का एक पार्ट होता है, लेकिन वो डिजीज नहीं कर सकता, और वो जब इंजेक्ट होता है आपके तो उसका एक इम्यून इफेक्ट आता है। जब आप सेकेंड, और सेल्स उसके, आपके बॉडी के सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये बोलते हैं कि इसके खिलाफ हमें जंग लड़नी है। जब भी ये आएगा सो वो मेमोरी में रह जाता है उनके कि ये जंग लड़ते रहना है जब जब वो आएगा। सेकेंड डोज, पहले डोज में ही रजिस्टर होता है, सेकेंड डोज जब आपकी कुछ टाइम के बाद जाती है वो उसको एक्सेंचुएट करती है और वो उसके लिए परमानेंट एंटीबॉडीज या जिस भी तरीके से बोल रहे हैं वो बनाते हैं। आपका जो एक वैक्सीन है, जिस वैक्सीन को आपने लगवाया है, वो एक पर्टिकुलर वे पे उसने डेवलप किया होगा, आपकी इम्यून सिस्टम को रिएक्ट किया होगा। अगर आप इसमें अब दूसरा वैक्सीन ऐड करते हैं जो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी या डिफरेंट वायरस पार्टिकल को लेके बना हुआ है, तो आपको वो डिजायर्ड इफेक्ट नहीं देगा, है कि नहीं? सो इसीलिए बेटर ये है कि आप पहले वाला जो वैक्सीन है उसी का वो लगवाएं, उसी को ही सेकेंड डोज लगवाएं, क्योंकि अब तक तो सिर्फ आपके पास दो वैक्सीन के चॉइस थे, अब तो बहुत सारे आने वाले हैं। स्पुटनिक आने वाला है, फाइजर का वैक्सीन आने वाला है, हो सकता है मॉडर्ना का भी आए, जॉनसन एंड जॉनसन को। सो ऐसे में प्लीज इसको खिचड़ी नहीं बनाना हमने, मेडिकल साइंस को बड़े ही एहतियात से हमें चलना है, अपने हिसाब से नहीं लगना कि एक ने वो लगाए थे दूसरे नहीं है। जो वैक्सीन आप लगा रहे हैं उसी की सेकंड डोज लगाएं और आप देखेंगे कि ओवरऑल सेंस जो इसकी जो प्रोटेक्टिव वो है, अगर आप मोटा मोटा देखें तो 70-80% ही सबकी है, किसी की 85% होगी, किसी की 75% होगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, अंतर नहीं है, आप उसी से करें। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि क्या हम सब वैक्सीन लगवा लें? एक टाइम तो ऐसा आएगा जब सबको वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अभी ये जो सेकंड वेव और ट्रीटमेंट का मेहम हुआ है इस समय, वैक्सीन लगवाएं लेकिन वहां जाके भीड़ ना करें। सबको लगेगी वैक्सीन, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको नहीं लगेगी, लेकिन आराम से लगवाएं। वहां जाके अगर आपको 4 घंटे धूप में खड़ा होना है तो प्लीज ना करें, आपका भी नंबर आराम से आएगा। और बहुत सारे सेंटर्स बनाए हैं, अब धीरे धीरे और भी सेंटर्स बन रहे हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, पहले 45 साल के ऊपर का हो रहा था, अब 18 साल के ऊपर का हो रहा है, उसका फ़ायदा उठाएं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको अभी कोरोना या कोविड हुआ है, कोविड इन्फेक्शन हुआ है, तो अगले ही दिन जाके वैक्सीनेशन ना कराएं, एटलीस्ट 1 महीने वेट करना पड़ता है आपको। एक्टिव इन्फेक्शन के बाद 1 महीना वेट करना पड़ता है, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि 6 से 8 हफ्ते वेट करना चाहिए, लेकिन मिनिमम 1 हफ्ता वेट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ऐसा ना करें कि तुरंत वैक्सीन लग रहा है। महक गुप्ता जी पूछती हैं कि क्या कोविड इन्फेक्शन फूड या एनी ईटेबल से हो सकता है? देखिए, ये कहना तो मतलब ये है कि अगर किसी ने, अगर आपके पास कोई सेब है और आपने उसे खाया नहीं है, आपके घर पे रखा हुआ, आपने उठा के उसको दे दिया है और उसने फिर उसको धो धा के खाया है, तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने
आपने एक पीस खाया है और उसी पीस को आप शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नेजल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो उसके थ्रू फैल सकता है। सो जहाँ तक हो, चाहे वो घर वाले हों चाहे वो बाहर वाले हों, फूड शेयरिंग अगर आपको पता है कि उनको इन्फेक्शन है या आपको सस्पिशन है, फूड सस्पेक्ट है, तो प्लीज़ ना करें। ये कुछ ही टाइम है, उसके बाद एक बार सबको इम्यूनिटी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर यही मैंने आपको बताया कि घर में अगर किसी को इन्फेक्शन है, तो कृपया करके उस इन्फेक्शन वाले व्यक्ति को अपने से उसको घर के बाहर नहीं निकाल देना है, अलग कमरे में रहने की ज़रूरत है। आइसोलेट अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा घर बड़ा ना हो लेकिन हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। घर में अगर पेरेंट्स बूढ़े हैं और उनको अगर कोविड हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप होटल चले जाएं या उनको कहीं और भेज दें। अगर उनको होम आइसोलेशन में, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको हॉस्पिटल ना ले जाएं, हॉस्पिटल ले जाएं अगर उनको ज़रूरत है तो डेफिनेटली कराएं, लेकिन उनको अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी उतनी ही प्यार की ज़रूरत है, शायद बीमारी में प्यार की और ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, लेकिन अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। सो मास्क पहने, अपने हाथ रेगुलरली सैनिटाइज करें। सिंपल सी दो चीज़ें हैं जो कि हम शायद 1.5 साल से हम लोग को ये पता है, और फिर भी हम अपने एक मास्क को गर्दन पे लगा लेते हैं, क्यों, आखिर क्यों? और उसी का रीज़न है जो आज हम फेस कर रहे हैं। सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल है, हाथ को साफ रखना, एक मास्क पहनना। अगर आपने ये दो काम कर लिए, 98% इन्फेक्शन नहीं फैलता। लॉकडाउन का इन्फेक्शन रोकने में सिर्फ यही एक चीज है कि आपको वो घरों के अंदर बंद कर देते हैं। ये वही है कि अगर आपने चूहे को पिंजरे में बंद कर दिया तो प्लेग नहीं फैलेगा, लेकिन इससे प्लेग खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। जब जब हम अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे तभी ये खत्म होगा। अगर हमने आज जितने बड़े उसके ऊपर हम आ जाएंगे, हम इसके पार पा जाएंगे। कुछ लोग जरूर हमें बिछड़ चुके हैं, लेकिन हम इसके पार पा जाएंगे। लेकिन इसके बाद, आज से 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, फिर से हमें थर्ड वेव ना झेलनी पड़े, हमारे से और प्रियजन हमसे लॉस ना हो, उसके लिए दो ही चीजें करनी है, मास्क और सैनिटाइजेशन। वायरस स्प्रेड कैसे हो रहा है, इसका हमने डिस्कस कर लिया कि हम बहुत ज्यादा वो हो चुके हैं, काफ़ी कुछ एक दूसरे से, हमने जो बेसिक थी, बेसिक 3 चीज़ें थी वो हमने लूज़ कर दी। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है या नहीं है ये तो कहना मुश्किल है, बिकॉज़ इतने बड़े घर, इतना बड़े जगह पे अगर हम काम कर रहे हैं और जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। अगर आपके बैंक में एक काउंटर है और उस पर लाइन आपकी आधा किलोमीटर की हो जाती है, तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, लेकिन मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करना बिल्कुल पॉसिबल है। ये देख के कितना अच्छा लगने लगा है कि रास्ते क्लीन होने लगे, थूकने वाले लोग कम हो चुके। मास्क पहनने से सांस की बहुत सारी दूसरी बीमारियां कम होने लगी। आप देखेंगे अगर हम मास्क पहन के रखेंगे तो हमें श्वास रोग कम हो जाएंगे। जो आपको एयर पोल्यूशन सता रहा था वो काफी कम हो जाएंगे। सो इसीलिए मास्क वैसे भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ डबल म्यूटेंट कोविड वायरस, क्या है? देखिए, नेचर ने, आज हम जिस प्रकार से हैं, जिस शेप में हम हैं, या कोई भी जानवर है या भी कोई भी पौधा है, ये ऐसा नहीं बना था। हम एक सर्टेन शेप के बने, उसके बाद हम में चेंजेस आते हैं। हर व्यक्ति में उसके जीवन काल के अंदर ही अंदर चेंजेस आते हैं, और हर जनरेशन के बाद चेंजेस आते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बाद चेंजेस आते हैं। जब वो चेंज आपके सर्वाइवल के लिए, आपके इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे रहने के लिए आसान हो जा कर देता है, तो वो आपके बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इंसान पहले सीधा नहीं चलता, खड़े होके नहीं चलता था, इंसान भी चौपाया जानवर था,
आज से कुछ लाख सालों पहले, 5-6 लाख साल या 2-2.5 लाख साल पहले, उसके बाद उसने खड़ा होना सीखा, जिसको हम बोलते थे होमो इरेक्टस। जब होमो इरेक्टस हुआ तो उसको फायदा हुआ, वो फायदा आपके अंदर चेंजेस किसी वजह से आया था, और वो चेंज बॉडी ने आपको ले लिया, वो एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ आप आते रहे। तो आने वाली जनरेशन जो कि सीधी खड़े होके चलती थी वो बढ़ गई, और जो चौपाया थी वो खत्म हो गई। इसी तरह से धीरे 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 जनरेशन बढ़ने लगे। जनरेशन ऐसे होता है, और यही एक रीज़न है। अगर हम लोग बोलते हैं कि हाँ आने वाली जनरेशन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक्चुअली हर जनरेशन पहली वाली जनरेशन से इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, अच्छे चेंजेस जो होते हैं वो रह जाते हैं, और जो खराब चेंजेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। सो म्यूटेशन, जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस जब भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है, तो वो भी अपने आप को उस माहौल में बेस्ट पॉसिबल तरीके से बनाना चाहता है। आपने एक एंटीबायोटिक ली, वो बैक्टीरिया मरा, एक बच गया, अब वो उस एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। तो इसीलिए अब वो वाला जो वायरस है या वो वाला जो बैक्टीरिया है वो बढ़ जाएगा, तो वो म्यूटेशन हुआ और उसको एडिशनल एडवांटेज मिल गया। इसी तरह से जो पहला वाला कोरोना आया था उसमें दो और म्यूटेशंस आए, और वो म्यूटेशन उसको इस तरीके से बना देते हैं कि वो ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है, अपने जिसमें जाता है वो जल्दी से उसको हर्ट कर सकता है, उसमें ज़्यादा खराब बीमारी ला सकता है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। वो म्यूटेशन बेसिकली क्या हुआ था कि वो दूसरे कंट्री में पाई गई थी, तो इसलिए एक यूके स्ट्रेन बोल देते हैं, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन बोल देते हैं, अब इंडियन स्ट्रेन आने लगा है। सो वो म्यूटेशन कहलाता है कि वायरस में चेंजेस आते हैं, और वायरस में चेंजेस तभी आते हैं वो जितनी जल्दी रेप्लिकेट करता है, जितनी जल्दी वो अपने आप को बढ़ाता है, नंबर्स को डिवाइड करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है। तो इसीलिए ये बहुत वो है, और यही हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अगर बेटर हो जाए और उसका जो रेप्लिकेशन है, जो एक जगह से बढ़ना और एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना कम हो जाए, और नंबर्स मल्टीप्लाई करने कम हो जाए, तो आप देखेंगे कि म्यूटेशन भी कम हो जाएंगे। जितनी जल्दी वो मल्टीप्लाई करता है उतनी ही जल्दी उसको म्यूटेशन के चांसेस मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन है, डबल म्यूटेंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअल टाइम ऑफ सेकेंड डोज। सर देखिए, शुरुआत हुई कि चौथे हफ्ते के बाद लेना चाहिए, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि 6. और 8. हफ्ते पे भी ले सकते हैं, कुछ बोलते हैं कि 2 महीने के बाद देना चाहिए। बेसिकली मैंने इसका वो बताया कि इसमें क्यों टाइम गैप क्यों देना चाहिए, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसके बाद देना चाहिए। मेडिकल जो अभी फ्रेटर्निटी बोल रही है वो ये बोल रही है कि 4 से 8 हफ्तों के बीच में आप दूसरी डोज ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1-1.5-2 हफ्ते में कोई बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, लेकिन हाँ अगर आप डिले कर सकते हैं 6 हफ्ते तक आप करिए, अगर खासकर यंग लोग कर सकते हैं वो करें, और इसमें बहुत ज़्यादा कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन हाँ जो अभी डाटाज आ रहे हैं वो ये ज़रूर आ रहे हैं कि चौथे हफ्ते से बेटर है 6. और 8. हफ्ते के बीच में या उस समय सेकेंड डोज लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी लेने से फ़ायदा है, ये हम तन्मय के आंसर पहले कर चुके हैं। क्या सर्जिकल मास्क कारगर है या कपड़े का मास्क भी काम करेगा? सर देखिए, सर्जिकल मास्क कारगर तो है डेफिनेटली, इसमें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आज मैं कोविड आईसीयू में गया तो मैंने सिर्फ मास्क पहना हुआ था, और बाकी अपने जो सैनिटाइज करते हैं वो करे थे, वही अपने आप में काफ़ी है। कपड़े का मास्क काम कर सकता है, अगर आप डबल कपड़े का मास्क पहनते हैं और आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे, तो शायद वो काम कर जाएगा, लेकिन सर्जिकल मास्क बेटर रहता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, हमें ये सिर्फ नहीं सोचना है, यहाँ पे सर्जिकल मास्क कहने के बहुत आसान है, लेकिन बात यह है कि सर्जिकल मास्क के साथ एक कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व है, और अगर हम 6 लोगों की फैमिली है और हम 6 सर्जिकल मास्क दिन के पहन रहे हैं, और एक सर्जिकल मास्क 20 रुपए का आ रहा है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट चीप।
इसीलिए कॉस्टिंग का भी इफेक्ट देखिए। लेकिन अगर हाँ आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हैं और आपको जहाँ लगता है कि जहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या वो है, तो डेफिनेटली सर्जिकल मास्क इज़ मच बेटर देन एनी अदर मास्क। नीरज जी ने पूछा है, इनको 13 मार्च को एक फर्स्ट डोज को वैक्सीन की लगी थी, फिर कोरोना हो गया, 17 को नेगेटिव हो गए, सेकेंड डोज कब लेनी चाहिए? ओके, सो 13 तारीख को आपको फर्स्ट डोज लगी, उसके बाद कोरोना हो गए और आप अप्रैल में जाके नेगेटिव हुए हैं, तो बेसिकली आपको सिम्टम कब आए हैं पहले वाले उसके तकरीबन एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते बाद ही आप इसको लगवाएं। उससे पहले लगवाने का तो कोई औचित्य नहीं बनता और उससे पहले वो नहीं होगा। और दूसरा एक चीज़ और, अगर आप देखेंगे कि ये जो है 13 तारीख से, अगर आप 17 को नेगेटिव भी हुए हैं और अगर आप 13 मई के आसपास भी लगाते हैं, तो भी आपको कमोवेश उतना ही 6 से 8 हफ्ते का, 8 हफ्ते का डिफरेंस है आपके सेकेंड डोज में, तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका आपको फ़ायदा ही रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे पहले लगवाने से थोड़ा सा वो है कि आप का जो कोविड हुआ था वो 4 हफ्तों के अंदर आ रहा है, तो आई वुड से समवेयर अराउंड 13 और 15 मई के आसपास अगर आप लगाते हैं तो दैट इज़ ओके। सो बेसिकली हमने आप सबके क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज हम वो वाले क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं जो कि बिल्कुल कोविड और कोरोना से अलग हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं और कुछ पूछना तो आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और बाकी तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक कठिनाई की घड़ी है और ये भी जाएगी, ये भी ख़त्म हो जाएगी, और हर कठिनाई हमसे कुछ लेके जाती है और हर कठिनाई हमें कुछ दे के जाती है। हमसे क्या लेके जाती है? हमसे उस समय का सुकून लेके जाती है, हमसे कुछ अपने प्रियजनों को लेके जाती है, हमसे हमारे बहुत सारे जिसे बोले हमारे इमोशंस लेके चली जाती है, लेकिन यही कठिनाई हमें कुछ दे के जा रही है, हर बार दे के जा रही है। एक हमारा हमेशा लड़ने का जज्बा बढ़ा के जा रही है और ये दे के जा रही है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा ध्यान रखिए, आज हमें कोविड इन्फेक्शन को 1.5 साल भी नहीं हुआ है। आज ये जो ह्यूमन बीइंग, आज जो हम इस प्रकृति, इस धरा पे, इस अर्थ पे बैठे हैं, ये ऐसे ही हजारों लाखों इन्फेक्शन से लड़ के आज बैठे हैं। आप और मेरे पूर्वज अचानक नहीं इस उसमें आ गए थे, 2.5 लाख साल इस इंसानी प्रजाति को हुए हैं अप्रोक्सीमेटली, और इस 2.5 लाख साल में हमने हजारों वायरसेस, लाखों बैक्टीरिया के साथ सामंजस्य बिठा के, उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना के ही यहाँ तक पहुँचे हैं। सो इसीलिए ऐसे ना सोचें कि ये पहला और आखिरी है, ऐसे आगे भी आएंगे, लेकिन इससे सबक लेंगे और इससे सबक लेके आगे देखेंगे। और चूंकि एक डॉक्टर हूं तो दो चीजें जरूर आपको बताऊंगा, मेंटली मेरी पूरी फ्रेटर्निटी, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, सिस्टर्स की हो, वार्ड बॉयज़ की हो, आज हमने सुना प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए एम्बुलेंस ड्राइवर्स की हो, वेरी राइटली सर, या कोई भी ऐसा हो, पुलिस की हो, मेंटली हम लोग थक चुके हैं। इसलिए नहीं कि हम अपने लोगों की केयर नहीं करना चाहते और इसलिए भी नहीं कि हम मेंटली वीक हैं, वो इसीलिए कि हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी मेहनत करना चाहता है। आपने कभी अपने घर में अपनी वाइफ, अपनी मदर, अपनी सिस्टर से पूछा है कि वो हर दिन खाना बनाते हैं या आप बनाते हैं या कोई भी बनाता है? सुबह दोपहर शाम 3 बार खाना घर में बनता है और उसके बाद भी 60 साल के बाद भी वो थकते नहीं हैं। और एक ही
उनका क्वेश्चन होता है शाम को कि आज खाने में क्या खाओगे, वो तो कभी नहीं थके। तो आपका डॉक्टर, आपकी नर्सेज भी कभी नहीं थकेंगे। उन्होंने भी ये प्रण लिया है कि आपको जब जब इन्फेक्शन होगा, जब जब आपको कोई तकलीफ होगी, हम सब आपके साथ रहेंगे, आपको देखेंगे और कोई भी अपना पोस्ट नहीं छोड़ेगा। सैनिक और डॉक्टर कभी भी पेशेंट को छोड़ते नहीं हैं। कभी कभी उनके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। तो कृपया ध्यान दीजिए कि उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालने से पहले, उनको किसी भी चीज के लिए ब्लेम करने से पहले जरा सोचिए। एक सैनिक जब सरहद पे लड़ता है तो वो देश के लिए लड़ता है, बहुत बड़ा बलिदान करता है, और उसको पता रहता है कि घर पे कोई है लेकिन देश उसका ख्याल रखेगा। और उसको गोली लगने से उसके देश व उसके घर वालों अफेक्ट तो जरूर होंगे, लेकिन उनको गोली नहीं लगेगी। आपको पता है एक डॉक्टर जो कोविड आईसीयू में उस पेशेंट को ट्रीट करता है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? उसकी प्रॉब्लम होती है कि उस 12 घंटे की ड्यूटी के बाद उसको अपने घर पे जाना है, और उसको अपने घर पे जाके अपने बच्चे को अपने पास बुलाना है, अपने माँ बाप के पास बैठना है, अपने घर वालों के पास बैठना है, और हो सकता है वो वाला इन्फेक्शन लेके अपने घर जा रहा हो, लेकिन फिर भी वो छोड़ता नहीं है। शायद एक भी ऐसा मैंने डॉक्टर नहीं देखा पिछले 1.5 साल में, 4 बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करता हूँ मैं, लेकिन मैंने एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जिसने रिजाइन किया हो सिर्फ ये बोल के कि मैं कोविड ड्यूटी नहीं करूँगा। चाहे उसके घर पे बूढ़े माँ बाप थे, उसने उनको टेक केयर करने के लिए किसी तरह करा, चाहे उसके पास कोई और भी था। आज अगर कोई भी हो, अगर उसकी कंडीशन खराब हो, तो आप कैसे बचाएंगे? अल्टीमेटली तो आप भगवान नहीं है तो डॉक्टर आप ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल कहाँ है आपका? इसीलिए ये मेरी प्लीज सिर्फ इतनी है कि आप ये समझिए कि आपका डॉक्टर भी आपकी तरह ही एक इंसान है, जिसको सिर्फ एक नॉलेज है, एक ट्रीटमेंट की नॉलेज है, लेकिन उससे बड़ा उसका जज्बा है उसको ठीक करने का, और वो करना चाहता है। वो इमरजेंसी में है, उसके पास 15 ऑक्सीजन के पॉड्स हैं, वो उन 15 ऑक्सीजन के पॉड्स में 25 ऑक्सीजन के मरीज नहीं लगा सकता। मेरे हॉस्पिटल की एक एक सिस्टर 12 घंटे या 8 घंटे की ड्यूटी 8 पेशेंट्स को कर रही है, जिनकी 15 15 मेडिसिन चल रही हैं, जिनको खाना भी खिलाना है उनके टाइम पे, जिनको उनकी चीजें भी बतानी है। और बहुत सारे वीडियो आते हैं कि आप ये करिए ये करिए ये करिए, डॉक्टर्स नहीं काम कर रहे, सिर्फ एक काम करिए, 8 दवाइयां लीजिए, 5 फैमिली मेंबर्स को बिठाइए, और हर 2 घंटे बाद एक दवाई हर फैमिली मेंबर को आपको पिलानी है, और 1.25 साल तक करके देखिए, और फिर बताइए, और घर जाके फिर से उतना ही काम करना है आपको, और अपने बच्चों को बचाना है। ये कहाँ का न्याय है कि आप उन्हीं डॉक्टर को, उन्हीं सिस्टर्स को, बहुत सारे लोग ऑनलाइन गाली दे रहे हैं और उनको चोर लुटेरा कह रहे हैं। पैसे की जरूरत किसी को इतनी ज्यादा नहीं है, जान सबको प्यारी है, किसको प्यारी नहीं? और अपनों की जान तो अपने से भी ज्यादा प्यारी। आज मैं डाइग्रेस हुआ कोरोना से इस समय पे, और वो सिर्फ इसलिए हुआ हूं क्योंकि ये मैं पिछले 5 दिनों में खुद झेल रहा हूं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने लोगों को कोई नहीं छोड़ता,
और आप भी इसलिए गुस्से में आते हैं क्योंकि आप अपने लोगों से प्यार करते हैं। लेकिन ये यकीन रखिए कि आपका डॉक्टर इमोशनली अपना प्यार नहीं दिखा पाएगा, लेकिन अंदर से उसके लिए वो हर पेशेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसके घर वाले। और ये सबके लिए, सिर्फ हमें इस उसमें मिलजुल के इस क्राइसिस से निकलना है और अपने आप पे प्रण लेना है कि थर्ड वेव को नहीं आने देना है। ये मानिए ये हमारे हाथ में है, कोई आपको नहीं बचाएगा, कोई बड़ा आदमी आपको नहीं बचाएगा, आप खुद को बचाएंगे, अपने आप को बचाएंगे, अपने अपनों को बचाएंगे। और इस चीज का प्रण लीजिए कि आगे से मास्क पहनेंगे, मास्क को नहीं हटाएंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे, अननेसेसरी दवाइयाँ नहीं खाएंगे, और जिसको भी ज़रूरत हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में, उसकी हेल्प करेंगे। हमारे दरवाजे, हमारे से कंसल्टेशन बिल्कुल पॉसिबल है, हमेशा पॉसिबल है आपको जब भी वो हो। और अब बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी ओपीडी ऑनलाइन कर रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपको बिल्कुल आपको बिल्कुल ज़रूरत। आप सबसे विदा लेते हूँ। आपके किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको हो, आप इस पर लिख सकते हैं, हम आपको इंडिविजुअली जवाब देंगे। अगर आपको बाद में भी कुछ है, कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, तो हम उसको भी वो करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।